जब इंसान घर बार छोड़ता है और दूसरे मर्द के लिए जाता है, वो मर्द भी मकफ आते अमल है ना, एक मर्द को दूसरे मर्द के लिए छोड़ा तो तुम्हारा ये मर्द दूसरा मर्द भी नहीं, क्या कहती है? बन जाएगा, बन जाएगा तुम्हारे लिए सब कुछ। हाँ जी चलो तो, हाँ जी तो तुम अपने बच्चे को अपने आशिक के लिए छोड़, समझ नहीं थी इश्क में इतनी समझ बूझ नहीं है। वो बिल्ली जो है ना, बिल्ली अपने पाँव जला लेती है, अपने बच्चों को बचा लेती है ना। तो जिस वक्त हम ऊपर आए हैं तो इसको वो मना रहा था या पता नहीं क्या था, सर दबारा की तू ऐसे दसिया जिन्हें व्याहे हुए ने वो नहीं बुढ़िया के सर खुटते, की तू भी नहीं दसिया जरा प्यार दिता है जरा तेरा सिर कुटता। फिर मैंने इन्हें प्यार हो गया, मैं इन्हें रहन लग पी। अच्छा सही से दसी, सिर्फ प्यार ही होया या सब कुछ होया? प्यार ही होया, हम नहीं करता। शोहर बना है या बनने वाला है? बन जाएगा। मोहब्बत का एलिमेंट है लव, क्या कह के आई हो वहाँ से? उन्हें तो खून सी उन्हें रख लिया, मैं की उत्थे कर मैं याद नहीं आती। उनका तो खून था असल में, तो माँ का खून होते, 9 महीने रखे तुमने पेट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन अगेन मैं एक छत पे मौजूद हूँ और कुछ मामला हमें पता चले जब हमने रैकी की, एक लड़का और लड़की बैठे थे, 7 बच्चा था, हमने समझा कि वो उसकी फैमिली है, लेकिन इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए हम चले गए। बाद में हमें पता चला कि वो मामला कुछ और है, शोहर नहीं है लेकिन एक आशिक है और इश्क मशूकी चल रही है। उससे हमने लड़की से मामलात पूछने हैं, अब वो मेरे साथ है, पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या वाकई वो उसका आशिक है या शोहर है, सारा मामला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? कायनात। कायनात जी, शादीशुदा? जी। कब हुई है शादी? 5 साल हो गए हैं शादी हुई को। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। यहाँ छत पे क्या कर? छत पे लेटी हुई थी। बंदा कौन था? ये मुदसर। मुदसर? बंदे का नाम है? जी। शोहर है? जी। क्या करता है? काम नहीं करता। शोहर बना है या बनने वाला है? बन जाएगा। मोहब्बत का एलिमेंट है लव, लव करती हो? जी। अच्छा तो पहला शोहर? पहले शोहर ने छोड़ दिया मुझे। पहले शोहर ने छोड़ा या तुमने छोड़ा? मैंने भी छोड़ा, उसने भी छोड़ा। तुमने क्यों छोड़ा? उसको नशा करता था, मारता था। अच्छा बच्चे ऐसे ही हो गए हैं नशे नशे में? जी हा? जी। अच्छा तो शादी किसने की है? वो भी लव मैरिज थी? नहीं, वो अम्मी अबू ने की थी। खानदान से था? जी। अच्छा तो 5 साल रही है उसके साथ? जी। बेटा बेटी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं क्या? कौन कौन? बेटी और बेटा। अच्छा तो बेटा कहाँ है? उसके पापा के पास। कब से आई हुई हो यहाँ? पीछे कहाँ की हो? साधु की थी। कहाँ मतलब बच्चा कहाँ है? वो जो बड़े वाला है? उसके अब्बू के पास। वो नशा करते तुम बच के आ गए हो, वो बच्चे के साथ कोई कर ले अभी नबी का? मेरी दादी के पास रहता है। क्या कह के आई हो वहाँ से? उन्हें तो खून सी उन्हें रख लिया, मैं की उत्थे कर। मैं याद नहीं आती। उनका तो खून था असल में, तो माँ का खून होते, 9 महीने रखे तुमने पेट में। जी तुम्हें नहीं याद आती उसकी? आंधी। बच्चे की याद आती सगी माँ? हाँ जी। तो तुम अपने बच्चे को अपने आशिक के लिए छोड़ रहे, समझ नहीं थी इश्क में इतनी समझ बूझ नहीं है। वो बिल्ली जो है ना, बिल्ली अपने पाँव जला लेती है, अपने बच्चों को बचा लेती है, तो फिर तो इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। कितने दिन से आई और बच्चे को नहीं देखा? बच्चा मेरे को मैं छड़ ही सा, फिर उन्होंने कोल में मिल नहीं आंदा मेरे को, फिर चला जाता वापस। उनको पता है कि तुम यहाँ रहे? तो बंदा जिसके पीछे छोड़ के आई हो वो शादी क्यों नहीं कर? 2 साल हो गए ने मैंने आई नहीं थे। 2 साल ते मैंने मिले है। अच्छा पहले छोड़ा है उसके बाद मिला ये? अच्छा खुद बताओ ना जरा, खुद अपनी दास्तान बताओ। कोई चीज तो नहीं है नीचे मुझे काट ना ले? नहीं। अच्छा फिर मैंने इतना प्यार हो गया, मैं इतना रहन लग पी। सही से दसी, सिर्फ प्यार ही होया या सब कुछ होया? प्यार ही होया। नहीं सही दस, कल कल आनू फिर कोई मसला हो जाने फिर ना कहीं? नहीं मसला होता। तेनू छड़ दिता है ने? प्यार होया ते तेनू कुछ नहीं कहा उन्हें? नहीं छड़ देगा, नहीं छड़ेगा।
तेरे नाल सारे मामलात रखे होने ने। नहीं ऐ मैं मान ही नहीं सकती, तेरा मुंह ही नहीं दस रहा। ना जाने जिस वक्त हम ऊपर आए हैं तो इसको वो मना रहा था या पता नहीं क्या था, सर दबा रहा था कि तू ऐसे दसिया जिन्हों के ब्याह हुए ने वो नहीं बुढ़िया के सर कुट दे ते की तू कुछ भी नहीं दसिया है कि प्यार दिता है जो तेरा सिर कुटदा सी। जरूरी गलत काम होने ते फिर नहीं नहीं मोहब्बत की है फिर। हाँ जी बस अब शादी का इरादा है करना गुनाह नहीं है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं है, मोहब्बत इंसान कर सकता है लेकिन शादी कुआरा हो दस बंदियां लावे मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है, मोहब्बत के ऊपर बात ना करो, मैं तुम्हें पूरी किताब लिख के दे सकती हूँ। मोहब्बत एक एहसास का नाम है लेकिन जब एक औलाद वाली माँ हो ना तो वो अपना घर नहीं छोड़ती, तुम मोहब्बत करती ठीक है रख लेती लेकिन बच्चों का तो मुस्तकबिल सोचती। जितना भी ये दूसरा मर्द आपका कर लेगा आपके बच्चों को कबूल नहीं करेगा, कर लेगा। जी नाज़रीन ये लाइट का कोई मसला है क्योंकि जाहिर है हम लोग काम करते हैं और ओवरनाइट हम काम करते हैं, अब ये लाइट का इसलिए मसला है कि हमारे जो जितने इक्विपमेंट्स हैं उसकी लाइट मध्यम है लेकिन फिर प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, जब इंसान घर बार छोड़ता है और दूसरे मर्द के लिए जाता है वो मर्द भी मकाफाते अमल है ना, एक मर्द को दूसरे मर्द के लिए छोड़ा है तो तुम्हारा ये मर्द दूसरा मर्द भी नहीं बनेगा। क्या कहती हो? बन जाएगा तुम्हारे लिए सब कुछ कर ले। हाँ जी चलो तुम भी यहाँ हम भी यहाँ, हम कुछ अरसे बाद आएंगे। निकाह क्यों नहीं किया? 2 साल वाले मानेंगे तो वो करेगा। 2 साल हो गए तुम्हारे साथ यहाँ आए हुए को, 2 साल में सब कुछ हो गया होगा? नहीं हो जाएगा, 6 महीने हुए ने मैनू उंदे नाल रहंदे आं, मैनू इत्थे आया 2 साल होए ने। चलो 6 महीने में सारे मामलात हैं ये भी मैं हल्फन कह सकती हूँ, ये भी मैं तजुर्बे में कह सकती हूँ कि उससे मोहब्बत की और तुम जिस तरह बैठे हुए थे तुम्हारे सारे मामलात हो चुके। तो उससे अगर तुमसे प्यार करते ना ये सर दबाना कुछ भी नहीं है, उसको को निकाह करे बंदे ने तेनू तलाक दे दी है। हाँ जी करेगा निकाह, निकाह पे निकाह नहीं होता, जब वो तलाक देगा फिर तलाक हो गई। नाज़रीन इस माशरे में हमारा दीन भी अपना है, हमारे जज्बात भी अपने, हमारी मोहब्बतें भी अपनी है, हमारे रूल्स कानून सब कुछ अपने है। ये लड़की है, उम्र क्या तुम्हारी? 20 साल 20 साल 5 साल शादी नहीं, यानी 15 साल की उम्र यदि शादी हुई, 15 साल की उम्र में शादी की, 2 बच्चे भी पैदा किए, उसके बाद इसको पता चला 2 बच्चों के बाद के बंदा नशाई है और मेरे काबिल नहीं है, उसको छोड़ गई 2 साल पहले और अब 6 महीने से एक लड़के के साथ जिसका नाम मुदस्सिर है उसके साथ रह रही है और फिर उसके साथ इसने पता नहीं क्या वादे वफाए कस्में खाई हैं। अब ये है कि ये कहती है कि वो शादी करेगा और मेरे साथ निभाएगा। आप क्या कहते हैं कि इनके रिश्ते में क्या मामला देंगे? कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इसको हम समझाते हैं कि बंदा बन जाए, अपनी ज़िंदगी को संवार ले और अपने शोहर के पास वापस चली जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।